हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि युवाओं में वैक्सीन लगवाने के बाद जो कुछ लक्षण दिख रहे हैं, क्या वह अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या यह किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं या फिर हमारी हेल्थ के लिए यह अच्छे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वैक्सीन हमें कोरोना से 60-70% प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यह बात भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें परेशानी भी काफ़ी होती है। आफ्टर वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है, जैसे कि थकान, फीवर, सिर दर्द, और कुछ लोगों को तो ऐसा भी असर होता है कि जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और हाथ में दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम आगे बात करेंगे कि यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होता है, आपकी सेहत के लिए यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कुछ रीजंस होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोगों को और किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीन लगवाना। हालांकि कुछ लोग इसके साइड इफ़ेक्ट से घबरा भी रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये साइड इफ़ेक्ट बताते हैं कि वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रही है। देखिए, जो वैक्सीन आपके हाथ पर लगाई जाती है यह आपको चरणबद्ध तरीके से आपके शरीर पर प्रतिक्रिया देती है। कभी कभी दूसरी डोज के बाद भी लोगों को थोड़ा दर्द महसूस होता है या उनकी तबीयत पर थोड़ा असर होता है, तबीयत थोड़ा ख़राब होती है, जैसे ठंड लगती है, कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम तेज़ी से काम कर रहा है। जब भी आपको वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन इम्यून सिस्टम को COVID-19 स्पाइक प्रोटीन, जिससे कोरोना बना होता है, उसे पहचानने और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। एंटीबॉडी से ख़राब होने के बाद ये प्रोटीन वायरस को तेज़ी से बढ़ने और बीमारी को फैलने से रोकता है। इस प्रोसेस में कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट महसूस हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसके जो प्रभाव होते हैं, वह होता है इंजेक्शन लगने वाली जगह पर लाल होना, उस जगह पर दर्द होना और सूजन होना। इसके अलावा थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, ठंड लगना और मिचली जैसे महसूस होना। हालांकि कोई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस नहीं होने का मीनिंग यह होता है कि वैक्सीन आपको असर नहीं कर रही है, इसका आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो यदि आपको इफेक्ट दिखते हैं या इफ़ेक्ट दिखते हैं तो यह आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगने के बाद भी उन्हें थकान, शरीर में दर्द, ठंड लगने जैसा महसूस होता है, लेकिन एक दिन के बाद ये लक्षण चले भी जाते हैं। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहली डोज के बाद इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान कर चुका होता है और दूसरी डोज मिलने के बाद ये आपके शरीर पर तेज़ी से काम करता है। इसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार, थकान, शरीर में दर्द, इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में साइड में रेडनेस भी हो जाती है। तो हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह एक सिम्टम होता है, संकेत होता है कि वैक्सीन आपके शरीर में सही दिशा में काम कर रही है, और यह भी हमें बताता है आपके बाजू में रेडनेस होना कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत ही मजबूती से रिस्पॉन्स कर रहा है आपके शरीर में उस वायरस को पहचानने में। तो ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इस तरह के सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा है जो आपको इस तरह के सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, और यदि आपको इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में ये सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं।
अब कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। देखिए, यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको फीवर आना कॉमन है, ऐसे में आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेना है या किसी भी तरह की हाई डोज इंजेक्शन आपको नहीं लगवाना है, नहीं तो इससे आपके शरीर पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम 50 दिनों तक सिगरेट या शराब बिल्कुल भी नहीं पीना है। WHO ने साफ साफ कहा है कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं वो लंग्स पर इफ़ेक्ट करती है, और ऐसे में यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो फिर आपको इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाना है। WHO ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि यदि आप वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी तरह का टैटू बनवाते हैं तो इससे आपको अपनी बॉडी पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में पानी की कमी होगी जिससे आपके लंग्स डैमेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, लंग्स जो होते हैं वह हमारे पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ऐसे में यदि कोरोना आपके लंग्स को और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा या इस टाइम पर आपको कोरोना होता है तो इससे आपके लंग्स पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, जैसे कि कुछ लोग बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या जिम जाते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं और आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करती हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वैक्सीन लगवाने के 4 से 5 दिन आप बिल्कुल रिलैक्स करिए, इससे क्या है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आसानी से बन जाएंगी, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा जिससे आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर होगी। तो आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले काम नहीं करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।